वेलकम दोस्तों, गूगल क्लासरूम ये गूगल का एक नया प्रोडक्ट सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक बहुत ही फायदेमंद, जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ये हमारे कंट्री का, पूरे दुनिया का एक फ्यूचर है। तो इस हालात में जो है आपको गूगल क्लासरूम के ऐप के बारे में या इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम देखेंगे यहाँ पर गूगल क्लासरूम, ये जो ऐप है विंडोज़ के लिए और एंड्रॉयड के लिए सेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ जो है फीचर सेम है। ओके, आपको करना बस ये है, आपको ये जो है लिंक है, इस लिंक को जो है आपको सीधा आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र या कोई भी गूगल का ब्राउज़र में आपको टाइप करना है और जो है इसको आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके जो है इस गूगल क्लासरूम को आप आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके जो है मोबाइल में भी आप इसको ले सकते हैं। आप आपका मोबाइल को एज ए क्लासरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टूडेंट एज ए क्लास उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखेंगे जो है अब हम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव और टीचर्स पर्सपेक्टिव दोनों के एंगल से, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने दो टैब ओपन किए हुए हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लासेस, ओके, एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर। तो ये जो गूगल क्लासरूम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका इंटरफेस जो है आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, शुरुआत का जो होम पेज है वो इस तरह से आपको दिखेगा। तो एज ए टीचर बोलकर जो है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर गूगल क्लासरूम लिखा हुआ है और यहाँ पर गूगल क्लास लिखा हुआ है, ओके, दूसरे टैब में। तो एज ए स्टूडेंट इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो ये प्लस साइन है, सिंबल है, वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन वहाँ पर वो पूछ रहा है, क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास। तो आपको जो है, आप अगर टीचर है तो आप क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर दूसरे टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट और ज्वाइन की जगह आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ओके, तो मैं इस प्लस साइन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ज्वाइन क्लास और एंड क्रिएट क्लास है, तो यहाँ पर क्रिएट क्लास कर देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस सभी जो है आपको एग्री है, आप इसको क्लिक करें और कंटिन्यू करें। और जो भी क्लास आपको क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ पर 12th बायोलॉजी की आपको क्लास क्रिएट करनी है, सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12th। ओके, 12th और सेक्शन में यहाँ पर बायोलॉजी डालूंगा और उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर बॉटनी या जूलॉजी जो भी हो यहाँ पर डालूंगा। सपोज यहाँ पर मैं जूलॉजी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ओके, अब रूम नंबर कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये वर्चुअल रूम होगा आपका। ओके, और आपको सिंपली आपको क्रिएट करना है। फाइन, तो अब ये क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद आपका क्लासरूम इस्टेब्लिश हो जाएगा, वर्चुअल क्लासरूम आपका इस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पर। ओके, इसको नेक्स्ट करना है आपको सिंपली और यहाँ पर गॉट इट करना है। फाइन, अब जो है यहाँ पर आपको एक क्लास कोड दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। अब जो है ये क्लास कोड, आप इसको जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, ये जो क्लास कोड है इसे आप कॉपी कर सकते हैं सिंपली और आपके स्टूडेंट्स को आप व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसको ज्वाइन कर सके। अब मैं इसमें कुछ मटेरियल डालूंगा, कुछ क्वेश्चंस तैयार करूंगा, कुछ पीडीएफ डालूंगा, कुछ यूट्यूब के लिंक्स डालूंगा, ये सारा जो मटेरियल मैं टीचिंग का इसके अंदर डालूंगा। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जब इसको विजिट करेंगे तो इसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से ये दिखेगा, ये भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चार टैब है, स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल और ग्रेड्स। ओके, तो शुरुआत में जो ये स्ट्रीम है, ओके, तो इसका जो है होम पेज या इंटरफेस इस तरह से दिखेगा आपको और ये सिंपली फेसबुक ऑल की तरह है। आप यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है, शेयर समथिंग विद योर क्लास, ओके, एंड टाइप सिंपली हियर व्हाट एवर यू वॉन्ट टू टाइप हियर एंड टू सजेस्ट योर स्टूडेंट। सो हियर आई एम राइटिंग हियर, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। ओके, और एंटर करके आप लिखेंगे यहां पर, प्लीज चेक न्यू क्लास वर्क इन क्लास वर्क टैब। ओके, इन क्लास वर्क टैब। तो इस तरह से आपने यहां पर शेयर किया है और इसको आप क्या करेंगे, सिंपली पोस्ट, यहां पर नीचे लिखा हुआ है, इसको पोस्ट करना है।
और ये इस तरह से जैसे कि आपका फेसबुक का ऑल पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप और कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको क्लास वर्क, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट नाम का बटन दिया है। ओके, इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज असाइनमेंट हो, क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन हो या मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो, कुछ मटेरियल है, पीडीएफ है, पीपीटी है, वर्ड फाइल है, और जो है आपके कोई पिक्चर है या फिर जो है यूट्यूब का लिंक है, आपका वीडियो है, वो सारा मटेरियल इसके अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट उनके कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देख सकते हैं। रीयूज पोस्ट, अगर पुराना वाला कोई पोस्ट आपको यूज करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब झट से मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम क्वेश्चन ले लेंगे, ओके, आपको कोई क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और यहां पर मल्टीपल चॉइस, इस तरह से यहां पर दो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। सपोज यहां पर मैं मल्टीपल चॉइस ले लेता हूं और आपको यहां पर क्वेश्चन, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी यहां पर आप टाइप कीजिए, यहां पर मैं लिखूंगा डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन, ओके, और यहां पर मुझे चार ऑप्शन देने, कोई इंस्ट्रक्शन आप देना है तो आप दे सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ऑल, ओके, सिर्फ सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव वगैरह जो है आप यहां पर टाइप कर सकते हैं, ओके, सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, और उसके बाद यहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जो है आप डालेंगे यहां पर, ओके, फॉर एग्जाम्पल जीवन फेज, जीवन फेज, और फिर यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डालेंगे आप G2 फेज, ओके, और यहाँ पर डालेंगे S फेज, ओके, और चौथे यहाँ पर डालेंगे सपोज मेटा फेज, राइट। तो आपने इसको क्लियर किया है। कोई अगर PDF फाइल है आपके पास में MCQ वाली, तो वो भी यहाँ से आप फाइल या लिंक या कोई YouTube पर आपने कोई सवाल पूछा तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हम कोई आपको एक या दो क्वेश्चन पूछने हैं तो वो भी जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ओके, या फिर नया वाला क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है तो जो है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन के मिसाल के तौर पर हम देखेंगे तो इसको यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर आस्क दिखता है, ओके, यहाँ पर आपको आस्क को सिंपली आपको क्लिक करना है, आस्किंग, और ये जो है क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पर ये पोस्ट हो जाएगा, ओके, यहाँ पर पोस्टिंग का टाइम भी वगैरह जो है आपको दिखेगा। अब स्टूडेंट कैसे देखेंगे इसको वो भी हम बाद में से देखने वाले हैं, ओके, एक सवाल पूछा, या फिर आपको और कुछ क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई मटेरियल है आपके पास वो देना है, ओके, फॉर एग्जांपल सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस टॉपिक का आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और आप सिंपली इसको यहाँ पर ये जो लिंक वाला जो बटन है ऐड, ओके, अटैचमेंट वाला, तो इसको आपको थर्ड ऑप्शन जो है ये फाइल, यहाँ पर आप फाइल सिंपली यहाँ पर जा सकते हैं और सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे, ओके, और उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाला बटन है और इसको सिंपली यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है आपको कुछ और ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, कोई लिंक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो वहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर मैं चैनल वीडियोस, ये सारे जो है यहाँ पर चैनल वीडियोस मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट पेज के अंदर का लास्ट वीडियो है, तो यहाँ पर गेट शेयरेबल लिंक मैं करूँगा और ये लिंक करके जो है इस लिंक को कॉपी किया हूँ मैं यहाँ पर, ओके, और इस लिंक को यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ऐड लिंक, ओके, तो इस तरह से ये लिंक भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके, और उसके बाद ये इसको सिंपली यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर में पोस्ट करना है, उसको आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। आप पोस्टिंग का जो है आपका शेड्यूल भी दे सकते हैं, कोई आपको पर्टिकुलर टाइम चाहिए, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर क्रिएट और यहाँ पर मटेरियल मुझे आपको कोई देना है, ये फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, एक PDF फाइल है, ओके, PDF फाइल भी आप यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ऐड करेंगे आप, फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस और सिंपली जो है आप क्या करेंगे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला जो है PDF फाइल इसको आप ओपन करेंगे, ओके, और इसे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के साथ ये PDF फाइल यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर शेड्यूल का मैं आपको दिखा रहा था इसलिए इसको रिपीट मैंने किया। तो ये शेड्यूल आपको कब इसको पोस्ट करना है,
सपोज आपको कुछ देर के बाद इसको पोस्ट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 24 तारीख को जो है 9 बजे मैं इसको 9 एएम को जो है मटेरियल देना चाहता हूँ, राइट। या फिर कोई आंसर की हो, आज आपने क्वेश्चंस दिए हैं और आंसर की का पीडीएफ देना है, तो आप उसको इस तरह से शेड्यूल भी इस मटेरियल को कर सकते हैं। ओके, तो शेड्यूलिंग हो रहा है और ये यहाँ पर शेड्यूलिंग में यहाँ पर शेड्यूल फॉर टुमारो 9 यहाँ पर दिख रहा है। अगर स्टूडेंट इसको देखते हैं तो वो कल 9 बजे ही इसको ओपन कर सकते हैं, तब तक ये हाइड रहेगा। ओके, तो ये सारे मटेरियल्स हमने यहाँ पर क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। कुछ मटेरियल्स दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, कुछ सवाल दिए हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन मार्क का जो आइकॉन है वो सवाल वाला है, ये मटेरियल उनको पढ़ने के लिए मटेरियल है। और यहाँ पर आंसर की है सपोज, तो ये आंसर की यहाँ पर जो है शेड्यूल हमने कल बना दी है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन का स्पेलिंग कुछ क्यू यू ई वगैरह ये फास्ट टाइपिंग की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, यू कैन एडजस्ट इट। ओके, अब जो है ये पीपल, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो आएंगे तो वो स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। आप टीचर है, ओके, आप होस्ट हो, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये इस तरह से आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अब स्टूडेंट को इनवाइट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका ईमेल आईडी या नाम से। ओके, अब यहाँ पर इनवाइट स्टूडेंट्स और गिव देम अ क्लास कोड लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और फिर पेस्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर ग्रेड्स वाला एक चौथा ऑप्शन है, योर क्लास डजंट हैव एनी स्टूडेंट्स, एड स्टूडेंट्स इन पीपल पेज वगैरह। तो ये जब स्टूडेंट जब इसको एग्जाम देंगे तब ये ग्रेड वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब इसको हमने कॉपी किया है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, ओरली बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी भी आप स्टेटस पे आप भेज सकते हैं। तो ये जो कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक है, वो सिर्फ आपके क्लास का है, इज क्लियर, 12th बायोलॉजी और आपके क्लास का है। ओके, तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा कोड। ओके, जैसे आप क्लास चेंज करेंगे, अब यहाँ पर एक क्लास, ओके, एज ए स्टूडेंट मैं इसको अब एनरोल कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं क्रिएट और ज्वाइन क्लास, यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, तो वहाँ पर मैं शुरू में जो है ज्वाइन द क्लास करूँगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं जो इसके अंदर एनरोल करूँगा। यहाँ पर क्लास कोड पूछेगा वो सबसे पहले, तो इसको जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और ये ज्वाइन करूँगा। ओके, बीइंग इंक्लूडेड होने के बाद जो है आप इस क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे, ये ऐसे जैसे कि मी आई कम इन सर। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, तो स्टूडेंट्स को ये सारा जो है मटेरियल आपका यहाँ पर दिखेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ओके, कौन सा असाइनमेंट दिया है, कौन सा मटेरियल दिया है वगैरह, ये सारा। तो शुरुआत से जो है जो फेसबुक की वॉल की तरह ये दिखेगा, तो शुरुआती में जो है आपने ये मैसेज दिया था, ओके, उसके बाद ये सवाल पूछा था, उसके बाद ये असाइनमेंट दिया था, और उसके बाद 9 बजे जब वो पीडीएफ जो आंसर की जो आपने शेड्यूल की है, तो वो यहाँ पर इस ऑल पे आएंगी। अभी ये हाइड है, वो नहीं दिख रही है। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या कहा है मैसेज में कि प्लीज़ चेक न्यू क्लास वर्क इन क्लास वर्क टैब। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्लास वर्क को देखेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, स्ट्रीम, क्लास वर्क और ये पीपल, इज इट क्लियर, यहाँ पर ये पीपल है। ओके, कक्षा का काम और लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं, आप हिंदी में भी और इसको अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। ओके, इसको सिंपली जो है आप राइट क्लिक करके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल अभी इसी से काम चला लेंगे हम। ओके, कक्षा का काम क्या है, क्लास वर्क, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर चार ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस होने की वजह से जो है ये किसी एक ही जगह आकर रुकेगा। सपोज एस फेज इसका सही आंसर है तो एस फेज वो देखेंगे, और उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर ऑल द वे ड्रैग डाउन करेंगे और प्रस्तुत करें मतलब सबमिट करेंगे, और प्लीज़ प्रेजेंट या प्लीज़ सबमिट ये हो जाएगा, और ये सबमिट हो रहा है। ये सबमिट होने के बाद जो है कितने बजे जो है पोस्ट किया गया है वो भी आपको दिखेगा एज ए टीचर बोलकर। ओके, अब ये पोस्ट हुआ है, अब आप जाएंगे यहाँ पर पीपल इन, देखो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि ये स्टूडेंट ने ये सबमिट किया है वो भी आपको दिखाई देगा। ओके, आपको जो है आपने मार्क्स दिए थे, जैसे कि क्लास वर्क यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब ये सवाल पूछा गया, ओके, तो इसको 100 मार्क्स सपोज या कुछ कोई मार्क्स है तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आप कितने पॉइंट्स कितने थे, आपने 100 पॉइंट्स दिए थे। ओके, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है कि इसको ग्रेड्स देने हैं, तो आप डीएनए आपको जो एज ए टीचर जाना है,
ओके, तो ये सवाल था, तो ये आपने 100 पॉइंट्स दिए थे, तो वो पॉइंट्स कैसे दिए थे वगैरह वो भी हम देखेंगे। अब जो है इसको हम बैक ले लेंगे, बैक लेने के बाद जो आपको ग्रेड्स देनी है मार्क्स के लिए, तो ये ग्रेड्स है और यहाँ पर ये 100 में से आपको कितने मार्क्स देने हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, जैसे सिंपली 100 में से आपको 100 मार्क्स देने हैं। ओके, और फिर उसके बाद जो है आपको इसको सिंपली छोड़ देना है, यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। ओके, कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए तो ये ड्राफ्ट यानी वो 100 मार्क्स आपको दिखाई देंगे ग्रेड्स। ओके, तो ये मुबीन शेख स्टूडेंट्स को जो है 100 में से 100 मिले हैं। या फिर आपने आपको जो है क्वेश्चन को मार्क्स कैसे देने हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर ये क्लास वर्क था और आपने अगर क्रिएट अगर कोई सवाल यहाँ पर पूछा है। ओके, क्वेश्चन सपोज, और यहाँ पर एक सवाल है व्हाट इज, और सपोज क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन सेल। ओके, ये शॉर्ट आंसर वाला ही हम पूछेंगे और इसको जो है यहाँ पर सिंपली हम आस्क करने वाले हैं। लेकिन आस्क करने से पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट्स। ओके, आपको सपोज ये आप मैन्युअली इसको 10 मार्क्स दे सकते हैं या 1 मार्क दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर वाला है। ओके, पॉइंट्स यानी मार्क्स बोलकर वो काउंट होगा। ओके, सपोज 1 मार्क के लिए डेफिनेशन है, ड्यू डेट है आपको कि ये आपको कब तक सबमिट करनी है, तो सपोज 25 तारीख तक जो है आपको ये सबमिट करनी है और कितने बजे करनी है वगैरह, ये टाइम ऑप्शनल है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर सपोज आप 2 बजे तक जो है आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है, तो इस तरह से जो है 25 तारीख तक ये ड्यू डेट है तो स्टूडेंट वो सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक था, तो वो भी आप यहाँ पर जो है अगर टॉपिक यहाँ पर डालते हैं तो टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर। ओके, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको क्लोज करना है तो वो भी आप करेंगे। ओके, या फिर हर स्टूडेंट के लिए जो है आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इजीली आप ये कर सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ पर सिंपली राइट टॉप कॉर्नर पर आपको क्या करना है, आस्क करने के बाद ये क्वेश्चन जो है चला जाएगा, तो और ये 1 मार्क के लिए अब ये चला गया। ओके, अब एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से हम देखेंगे, अब इसको जो है स्ट्रीम कर देता हूँ मैं और फिर इसको रीलोड कर देता हूँ स्ट्रीम, और ये अपडेट हो गई अब स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुबीन शेख ने एक नया सवाल पोस्ट किया है। ओके, स्टूडेंट्स जब ये ओपन करेंगे तो जो है इस तरह से सवाल दिखेगा उनको, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टॉप कॉर्नर में जो है यहाँ पर आपका उत्तर, तो जो है आप क्या करेंगे, सेल इज सपोज एज ए स्टूडेंट जो है स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, इसको 1 पॉइंट दिया था आपने तो वो 1 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, प्रस्तुत करें तो इसको प्रेजेंट करेंगे वो, और फिर यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जा रहा है या प्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो ये एक सवाल आप पेस्ट हो जाएगा एज ए टीचर, अब हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, इसको रीलोड कर देता हूँ मैं, तो ग्रेड्स के अंदर जो है ये आंसर सबमिट किया हुआ ये आ जाएगा, ये देखो ये डिफाइन। ओके, सेल वाला जो है ये 1 क्वेश्चन जो था 1 मार्क के लिए उसको आप 1 में से 1 दे सकते हैं। ओके, और फिर कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए तो ये सेव हो जाएगा। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भी आपने असेस किया है, और उसके बाद जो है आपने इस शॉर्ट आंसर वाले को भी आपने क्लिक किया है और उसको असेस किया है, इवेल्यूएट किया है, तो इस तरह से ये इवेल्यूएशन हो जाएगा। तो ये ग्रेड्स जो है आपको यहाँ पर आप इसका सम जो है मैन्युअली कर सकते हैं। ओके, तो जो पीपल कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर, 1 ही स्टूडेंट ने असाइन किया वगैरह, ये सारा जो है आपको इसके अंदर दिखाई देगा, राइट। अब आपको करना ये है कि जब ये स्टूडेंट जो जब ये फिर से एक बार जो ये स्ट्रीम में उनके ओपन करेंगे। ओके, ये सवाल तो पोस्ट किया था। ओके, स्टूडेंट के सेक्शन में जो है हम अब है, और इसको फिर इसको रीलोड कर देते हैं हम, तो कोई स्टूडेंट अगर इस पेज को अगर लेट भी देखता है, ओके, तब ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसको स्ट्रीम के अंदर दिखाई देंगी, जो भी स्ट्रीम हुआ है वर्क एक्टिविटी, तो ये सारे जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको ये होता हुआ दिखाई देगा, राइट। और
उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ है तो वो स्टूडेंट लेट भी है अगर कमर्स है तो वो इस क्वेश्चंस को या मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई मटेरियल जैसे कि यहाँ पर दिया है पीडीएफ वाला फाइल, ओके तो इसको ओपन करना है। ओके ये पीडीएफ फाइल, तो इसको भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके इजीली ये जो क्वेश्चन बैंक थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे क्वेश्चन है तो ये सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से भी असाइनमेंट आप दे सकते हैं, फाइन, और ये सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके अब इसको जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ये लिंक है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसी भी चैनल के अंदर ये जो है वीडियो चालू हो जाएगा। All present over here. इस तरह से Let me tell you that we कमाल are... के फीचर वाला आपका क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम जो है गूगल ने आपको अवेलेबल करके दिया है। लॉकडाउन के या ये जनता कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, आप जो है फिर भी सीखना सिखाना बंद नहीं कर सकते, और वो भी मिलेगा आपको ये सारा फ्री में। ओके तो जल्द ही अपने स्टूडेंट को बताएं ये इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल में भी ये सारे सेम फीचर्स है, और टीचर्स को भी बताएं। ओके अपने फ्रेंड्स को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस गूगल के नए प्रोडक्ट का आप फ़ायदा ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वो भी फ्री है, लाइक करें, शेयर करें, वो भी फ्री है। धन्यवाद।